सफलता शब्द हर किसी को लुभाता है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना ही चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहां चूक हो जाती है, जिसके कारण असफलता का सामना हमें करना पड़ता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव में इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका उपयोग क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोद रखे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगा, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिली। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में पानी तो है ही नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव में दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव में जमीन बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ में नहीं आती है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी नहीं मिला। तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह पर परिश्रम नहीं किया गया। अगर गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने की बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें जरूर पानी मिल जाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी में यह है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन अगर मन को एक दिशा में कंसंट्रेट कर लिया जाए, केंद्रित कर काम किया जाए, तो लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। हम चारों तरफ हमारी पूरे एफर्ट्स लगा लेते हैं, लेकिन वही चार एफर्ट्स हम जब एक ही तरफ लगा लें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, या आपने कहाँ एक ही जगह पर काम करने की कोशिश की है, ये मुझे ज़रूर बताएं। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें।